वृंदावन में टूटा अचानक श्रद्धालुओं का सैलाब। अयोध्या जैसा नजारा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के बाहर। बसंत पंचमी से ब्रजमंडल में होली का शुभारंभ हो गया। रविवार का दिन वृंदावन के लिए मुसीबत बनकर आया। बांके बिहारी मंदिर पर ये लंबी लंबी कतारें देख लीजिए। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की आस्था को देख मंदिर के बाहर 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग गई। आलम यह है कि लाखों श्रद्धालुओं की वजह से मंदिर के सभी रास्ते ब्लॉक नजर आए। वृंदावन में भीड़ का आंकड़ा कोई नया नहीं है। हर बार भीड़ से वृंदावन बेबस नजर आता है, लेकिन अब ये आंकड़े भी देख लीजिए जो आपको चौंका देंगे। साल 2014 से कृष्ण भक्तों की संख्या में तेजी के साथ इजाफा हुआ। बरसाना में भी 60 लाख भक्त एक साल में पहुंचते हैं। अगर मंदिरों पर जुटने वाले भक्तों की भीड़ के लिहाज से बात करें तो वैष्णो देवी, हरिद्वार, शिरडी साई बाबा, तिरुपति बालाजी और केदारनाथ, बद्रीनाथ देश के बड़े तीर्थ स्थल हैं। मथुरा तो इस सूची में पहले से ही शामिल था, लेकिन अब वृंदावन भी शामिल हो गया। अगर पर्यटन विभाग के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो वृंदावन में साल भर में 1,50,00,000 भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। होली का मौका है, ये इजाफा इस साल और बढ़ेगा। जनपद मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे साहब, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज अपराधियों पर भी अंकुश लग रहा है और आगामी ब्रज का प्रमुख है होली का पर्व बसंत पंचमी से होली का ढाणा गढ़ जाता है ब्रज में। क्या कहना चाहते हैं ब्रजवासियों से, बाहर से आने वाले श्रद्धालु गणों के लिए? देखिए, हम सभी अवगत हैं कि आगामी समय में होली का पर्व पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया जाएगा। ब्रज की होली की विशेष महत्ता होती है। अगर सही तौर पर देखें तो बसंत पंचमी के दिन से एक तरह से ब्रज की होली की शुरुआत हो जाती है और ये लगभग 40 दिन पूरे ब्रज क्षेत्र में चलती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से रहे, इसके लिए प्रॉपर यातायात की डिप्लॉयमेंट रहेगी, क्योंकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं। सभी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए जिन जिन जगहों पे बड़े आयोजन हैं वहाँ पे विशेष सुरक्षा योजना हमारी और यातायात योजना रहती है। पुलिस प्रशासन सभी विभाग एक साथ कोऑर्डिनेट करके इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसके अतिरिक्त 8 मार्च को शिवरात्रि का भी पर्व है और इसमें जैसा कि हम सभी अवगत हैं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जल लेकर बाबा भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक करते हैं और विभिन्न मंदिरों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और उसको दृष्टिगत रखते हुए भी शिवालयों में प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ यातायात की समस्या न हो उसके लिए प्रॉपर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। लोगों के सहयोग से और सभी विभागों से कोऑर्डिनेशन अच्छा रख के इन त्योहारों सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कार्यरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।